बेंजो ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज बेंजो ट्यूटोरियल के लेसन फर्स्ट में पहला लेसन है ये, जिसमें कुछ सरगम अभ्यास के लिए बताएंगे हम, जो सीखना चाहते हैं बेंजो लेसन वन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला लेसन है और इसमें सरगम करना ही करना होता है सबको, तो सरगम का अभ्यास इसमें बहुत जरूरी है। तो सा हम लोग बनाएंगे इस नोट को, जिसको सा बनाएंगे। बेंजो में लगभग यहीं से सब लोग सा मानते हैं और बजाते भी हैं, कुछ लोग दूसरी जगह से भी मानते हैं सा, उसको बाद में बताएंगे। आज सरगम का लेसन है तो सरगम के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह है सा, और जो भी हम सरगम रियाज करते हैं, जहाँ भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी सिंगिंग में, तो सारे के सारे एक राग बिलावल राग होती है, उसमें सरगम सभी प्रैक्टिस करते हैं। वो आप बाद में जान जाएंगे राग क्या है और उसके नोट्स क्या होते हैं। तो फिलहाल सरगम जो है, पहला सरगम करेंगे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, वो वाला सरगम करेंगे जो बेसिक है। तो यहाँ से करेंगे, तो जैसे ये सा हो गया, रे ग म प ध नि सा, तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। फिंगर की जहां तक बात है, फिंगर फर्स्ट फोर फिंगर 1 2 3 4 इसको जाएगा, सेकंड 1 2 3 4 इसको जाएगा, बाकी नोट्स को 4 4 के पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम फिंगर को। तो हम पहला लेसन का पहला सरगम देखते हैं। स्ट्राइकिंग अभी सिंगल रखेंगे एक तरफ से ही, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं, देखिए ये सा से सा तक हो गया, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब देखिए ये सा है, ये भी सा है। अब इस सा को, इस सा से बीच में, इसको कहते हैं मध्य सप्तक, यानी बीच का स्वर, जो न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचे हो। यहां इस सा से नीचे सा है, तो उसके उतरते समय सा नी होगा, नी के बाद धा होगा, धा के बाद पा होगा, और खुला में जो है वो मा होगा मध्यम। सा नी धा पा मा, यहां तक है इस बेंजो में, ये नीचे का स्वर है। तो इस सा से नीचे ये भी जितने भी स्वर है, इसको कहते हैं मंद्र सप्तक का स्वर, यानी जो गहरा और मोटा आवाज बोले, नीचे बोले, उसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं। और ये इस सा से इस सा तक को मध्य सप्तक कहते हैं, बीच का सप्तक, बीच का स्वर, जिसका स्वर ना ऊंचा हो जाता ना नीचे हो। अब इस सा से ऊपर, यहां से भी हर जगह से सारे गा म प ध नि सा ही होगा, सा रे ग म प ध, यहां ध तक है इस बेंजो में। तो इस सा से लेके ऊपर वाले सभी स्वर को तार सप्तक में, तार सप्तक का स्वर कहते हैं, यानी ऊंचा स्वर, जो ऊंचा हो तीखा हो उसे हम तार सप्तक का स्वर कहते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे मध्य सप्तक में, फिर मंद्र सप्तक के नोट्स को भी कवर करेंगे, और फिर जब मध्य होते हुए तार पर आएंगे, यानी ऊंचे वाले स्वर में आएंगे, तो यहाँ हम पंचम तक जाएंगे, यानी ये सा से सा, ये नीचे पंचम यहाँ, ये ऊपर पंचम यहाँ। तो पंचम से लेके, इस पंचम से लेके पूरे बीच से होते हुए तार सप्तक के पंचम तक आपको अभ्यास करना है। प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प, वही सा रे ग म प ध नि सा, वही हर जगह चलेगा। अगर जहां से शुरू करें, प से शुरू करें, तो प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प, वही है प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प। अब देख लीजिए ये सा है,
दोनों सा है, सा से नीचे ये नी है, ये भी नी है, ये नी है मध्य सप्तक का, ये नी है मंद्र सप्तक का, दोनों का आवाज फ्रीक्वेंसी सेम होता है लेकिन आवाज इसका नीचे होता है मोटा और इसका बीच में होता है। नी ध ये है, ये भी ध है, प ये भी प है, ये म है तो इसका म खुला हुआ में म है। फिर इस सा पे आते हैं, इस सा से आगे चलते हैं, अब सा के बाद ये रे है तो ये भी रे है, ग है तो ये भी ग है, म है तो ये भी म है, प है तो ये भी प है, ध है तो ये भी ध है, आगे होता तो नी भी होता सा भी होता। तो ये है, सभी स्वर समान है, यहां से लेके ये वाला स्वर समान है, यहां से लेके ये वाला स्वर समान है, इसके सारे गा मा पा धा, सारे गा मा पा धा, ये दोनों समान है, बस अंतर है इसका आवाज पतला है, इसका आवाज बीच का है और नीचे का आवाज मोटा है। तो पहले मध्य सप्तक में करेंगे, फिर नीचे और ऊपर दोनों करेंगे। चलिए इसका अभ्यास देखते हैं कैसे करते हैं। पहले सिंगल स्ट्राइकिंग में बाहर से अंदर की ओर, पंचम से पंचम तक लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नोट्स में प्रैक्टिस करना है, जिसमें सा से सा ये मेन है, इसके नीचे का कुछ स्वर है, यहां से कुछ ऊपर का स्वर है, तो सबको करेंगे। सा से शुरू करते हैं, इसको जब अभ्यास हो जाएगा तब इसको दोनों तरफ के स्ट्राइकिंग में करेंगे। एक अंदर वाले स्ट्राइकिंग में, एक बाहर वाले स्ट्राइकिंग में जाएगा। चार चार का फिंगर रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, और जब इसको अभ्यास कर लेंगे थोड़ा सा हाथ चलने लगेगा उंगली, तब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब नीचे और ऊपर दोनों का स्वर देखते हैं, ऐसे ही करना है और पूरा फास्ट करें। और इसको रेगुलर करना है, तो ये हो गया पहला लेशन, लेशन का पहला सरगम। दूसरा सरगम ये कैसे गया, सा सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यहां से करें अगर, पा धा नी सा रे ग मा प नी धा नी सा रे ग मा प प मा ग रे सा नी धा प मा ग रे सा नी धा प, इस तरह से इसको करना है, स्लो पहले इसके बाद फास्ट। दूसरा सरगम है तीन वाला, सा रे ग रे ग मा ग मा प म प ध वाला। सब पहले तो इस यहां से यहां तक मध्य सप्तक के जितने भी स्वर हैं इसमें करेंगे, इसके बाद हम नीचे वाले को और ऊपर वाले उसको भी इंक्लूड करेंगे, उससे प्रैक्टिस अच्छी होती है, उंगली फ्री होगा। बस यही तीन उंगली का काम है इसमें, 1 2 3, फिर ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रिटर्निंग में भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से जाएगा। फिर नीचे भी जाएंगे 1 2 3 1 2 3, यहां से चलेंगे 1 2 3, ऐसे ही। इस तरह से पहले धीरे, पहले सिंगल स्ट्राइकिंग में एक तरफ में, फिर दोनों तरफ में, एक स्वर के लिए एक स्ट्राइकिंग। नीचे भी जाएं, यहां से आप पूरा को लें,
स्वर क्या होगा? पधनी धनी सा निसारे सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पधनी धनी सा निसारे सारे गा रे गा मा गा मा पा। उतरते समय आरोह अवरोह में प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नी सा नी धा नी धा प धा प मा पा मा ग रे ग रे सा रे सा नी धा नी धा प। अब अगर इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए डबल स्ट्राइकिंग दोनों तरफ से करेंगे। अब सारे स्वर को हम लें करना है इसको जितना फास्ट कर सकें। इसके बाद वाला सरगम है चार वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे गामा सा ये वो फिंगर वही चार चार चलेगा 1 2 3 4 ये चारों फिंगर फिर इस पे 1 2 3 4 फिर यही चार फिंगर आगे बढ़ते जाएगा पीछे आते जाएगा पीछे आते जाएगा इसी चार फिंगर का काम। देखिए पहले सिंगल स्ट्राइकिंग से एक तरफ वाले से ये प्रैक्टिस हो जाए तो फास्ट करने के लिए दोनों तरफ ये वाला चार वाला ये करना है बार बार करना है इसको फिर नीचे में भी जाना है करते करते थोड़ी स्पीड बन गई हाथ उंगली फ्री हो गया तो इसको दोनों तरफ के स्ट्राइकिंग से इसको फास्ट करेंगे। दोनों तरफ स्ट्राइकिंग देने में एक सुर के लिए एक तरफ का स्ट्राइकिंग जब ये दबेगा तो उल्टा फिर ये सीधा फिर ये उल्टा सीधा उल्टा स्ट्राइकिंग जाएगा। स्वर क्या क्या हुआ? सारे गामा रे गा मा पा गामा पाधा मा पाधा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे मा गा रे सा। नीचे जाएंगे ग रे सा नी धा सा नी धा पा पाधा नी सा धनी सारे नी सा रे गा सारे गामा रे गा मापा गामा पाधा मापा धानी पाधा नीसा धानी सारे नीसा रेगा सारे गामा रे गा मा पा पा मा गा रे सा गा रे सा नी रे सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा नी धा गा रे सा नी धा सा नी धा पा इस तरह से। और जब ये अभ्यास हो जाए तो इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अब सारे नोट्स को कवर करते हैं और स्पीड भी बढ़ाते हैं थोड़ा। स्पीड आप बना सकें उतना
आपके फिंगर के लिए फायदेमंद है। ये चार एक्सरसाइज है, ये तीन सरगम है, इसको करना है।